सर स्टार्ट हो रहा है। यस स्टार्ट हो गया। यस सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सिक्स माइंड द मार्केट वेबिनार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सिक्स माइंड द मार्केट वेबिनार। टुडे माइंड द मार्केट वेबिनार इज ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। हाय विशाल, हाय सुमित, रवि, जितेंद्र, भाटी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सिक्स माइंड द मार्केट वेबिनार। टुडे द माइंड द मार्केट वेबिनार इज ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सिक्स माइंड द मार्केट वेबिनार। निशांत सर, वी शुड वेट फॉर यू नो टू थ्री मिनट्स मोर एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके, यस सर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सिक्स माइंड द मार्केट वेबिनार। टुडे आवर माइंड द मार्केट वेबिनार इज ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। You will get your answer to all your questions after the end of the session, Aditya Maurya. Hello everyone and welcome to our 6 Mind the Market webinar. Hello everyone. Sir, in next 1 minute we could start. So, yeah. Okay. Hi guys. Hello everyone. So today Mind the Market is webinar is on my option trading. To begin with, let's welcome today our speaker and our partner Nishant Kumar, who will be guiding you through what is option trading, how to read option chain, how to identify long build up, long unwinding, short build up and short covering, what is OI versus OI change, VIX versus PCR, how to select strike price and how to trade based on option chain. So let's welcome Nishant Kumar. Thank you Mr. Nishant for joining us today. Sir, over to you. Thank you sir. Yeah, hello, good evening everyone. I'm Nishant Kumar. मैं इक्विटी कॉमोडिटी से हूँ। आप लोग इससे पहले इक्विटी टू कॉमोडिटी में मिस्टर प्रशांत को देखते होंगे। वी आर अ टीम। सो आज का जो सेशन है वो ऑप्शन के ऊपर में है और ये रियली में एक इंटरेस्टिंग सा एक सेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख पाएंगे कि ऑप्शन क्यों ज़रूरी है
और ऑप्शन में मैक्सिमम लोगों को जो नुकसान होता है उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग लाइफ में अभी तक कभी ना कभी एक भी दिन ज़रूर प्रॉफिट कमाए होंगे, ऑफकोर्स सी बात है। तो क्या आप उस प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाए हैं? मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा नो। अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो फिर उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज के साथ में नॉलेज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। मार्केट जो होता है, मार्केट आपका दो तरीके से रीड किया जाता है, एक आपका होता है चार्ट और दूसरा होता है डाटा रीडिंग। तो चार्ट रीडिंग होता है जिसमें कि आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन, ये जो आप समझते हैं या फिर सीखते हैं वो हुआ। दूसरा होता है ये जो है डाटा रीडिंग। डाटा रीडिंग बेसिकली आपका जो होता है ऑप्शन चेन हुआ, PCR है, विक्स है, मनी इनफ्लो है, मल्टीपल चीज़ को ऐड करके जो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो होता है आपका डाटा रीडिंग। ठीक है, तो जब तक हम इस दोनों चीज़ को प्रॉपरली कंबाइंड नहीं करेंगे तब तक हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, और तब तक हमारा जो भी रुपया है ट्रेडिंग अकाउंट से वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो आज का जो सेशन है वो इसी के ऊपर में है कि कैसे हम ये डाटा रीडिंग को हम समझ सकते हैं। ठीक है, डाटा रीडिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग को जो भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप लोग क्वेश्चन सेक्शन में डाल सकते हैं और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग का सारे का क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर में जो हम लोग का वेबिनार है ये आज शुरू होगा। मैं इक्विटी टू कॉमोडिटीज से हूँ। ठीक है, तो जो ये है ये हम लोग का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है जो आज हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे हम ऑप्शन चेन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग है, ये सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि कैसे हम ऑप्शन चेन के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर या ऑप्शन क्या है। फ्यूचर और ऑप्शन अगर आपको सिंपल टर्म में समझना है तो ये एक आपका डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है कि डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, मतलब जिसका कोई एक मदर हो। जैसे कि आप यहाँ पर मैं पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका पेड़ है, पेड़ से ही ये आपका टेबल कुर्सी बना है जो कि वुडन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका मदर है, ट्री हो गया, मदर हो गया, मतलब इसको कि हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट। और ये जो हो गया ये हमारा डेरिवेटिव्स हो गया। तो फिर शेयर मार्केट में क्या है हमारा अंडरलाइंग एसेट और डेरिवेटिव्स, तो चलिए उसको दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख रहे होंगे कि निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स आपका क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट। वहीं पर मैं निफ्टी का फ्यूचर और ऑप्शन क्या हो गया आपका, डेरिवेटिव्स। ये किससे बना है आपका, निफ्टी इंडेक्स से निकला है, निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सेम वे में अगर आप कोई स्टॉक्स की बात कर ले, जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस का जो स्टॉक्स है, रिलायंस का जो शेयर्स है, वो आपका अंडरलाइंग एसेट हो गया, और इसका जो फ्यूचर और ऑप्शन हो गया रिलायंस का, वो आपका डेरिवेटिव्स के टर्म में काउंट होता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या है बेसिकली, ये किससे रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट समझना भी एक ज़रूरी चीज़। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, कि हाउ टू रीड ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को रीड करने से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि आप लोग जैसे कोई भी शेयर से, जैसे यहाँ पर मैं बजाज फिनसर्व में, तो बजाज फिनसर्व या कोई भी आप फ्यूचर ऑप्शंस में जब भी आप बाई करते होंगे, फ्यूचर्स में बेसिकली, कैश में और फ्यूचर्स में, तो वहाँ पर मैं बेसिकली कितने प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पर देखिए दो हैं, एक बाई करने वाले हैं और एक सेल करने वाले हैं, बायर्स हैं और एक सेलर्स हैं। ठीक है, फ्यूचर में हो गया या फिर कैश में होता है, लेकिन जब आप ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शंस में दो सेगमेंट हैं, एक कॉल है और दूसरा पुट है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, एक इस तरफ आपका कॉल है और इस तरफ आपका पुट है। यहाँ पर मैं आपको कॉल दिखेगा और यहाँ पर आपको पुट दिखेगा। ठीक है, तो कॉल में भी आपको यहाँ पर मैं कॉल बाई करने वाले हैं और कॉल सेल करने वाले हैं। ठीक है, पुट में भी आपको पुट बाई करने वाले हैं और पुट सेल करने वाले हैं।
मतलब कि यहाँ पर मैं ऑप्शंस में आपको चार प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में आपका बेसिकली चार प्लेयर्स होते हैं। स्पॉट में और फ्यूचर्स में कितने हैं, दो प्लेयर्स होते हैं, एक बाय करने वाले और एक सेल करने वाले। लेकिन आपका ऑप्शंस में कितने हैं, चार प्लेयर्स होते हैं, एक कॉल बाय करने वाले अलग हो गए, उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल बाय करने वाले अलग हैं, कॉल सेल करने वाले अलग हैं, पुट बाय करने वाले अलग हैं और पुट सेल करने वाले अलग हैं। यहाँ पर प्लेयर तो चार हैं लेकिन मार्केट का डायरेक्शन तो दो ही है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट कभी आपका दाएं बाएं तो जाएगा नहीं, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जो इसकी ज़रूरत है वही चीज़ आपको बहुत हद तक ऑप्शन चेन को समझने में आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। जैसे देखिए कॉल बायर्स का मतलब क्या होता है, कॉल बायर्स का इंटेंशन क्या होता है, मतलब नहीं कॉल बायर्स का इंटेंशन, जो कॉल बाय करते हैं उनका क्या सोच होता है, उनका सोच होता है कि मार्केट वो जो भी प्राइस से बाय कर रहे हैं उस प्राइस से मार्केट आपका ऊपर जाएगा। अब कॉल सेल करने वाले का क्या व्यू होता है या फिर इंटेंशन होता है, वो ये सोचते हैं कि जिस प्राइस पे वो कॉल सेल किए हैं प्राइस उस प्राइस से नीचे ही रहेगा, ठीक है। सेम तरीके से पुट बायर्स और पुट सेलर्स का होता है, तो पुट बायर्स का व्यू निगेटिव होता है, तो पुट बायर्स जहाँ से पुट बाई करते हैं वो चाहते हैं या फिर उनका मानना होता है कि प्राइस उस प्राइस से नीचे ही रहना चाहिए, और पुट सेलर्स फिर बुलिश रहते हैं कि वह जहाँ से वो पुट को सेल किए हैं उनका मानना होता है कि प्राइस उस प्राइस से ऊपर ही रहना चाहिए। तो मार्केट का डायरेक्शन तो दो ही है लेकिन प्लेयर्स चार हैं, यही इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बनाता है और यही मेन रीज़न होता है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो, जिसके कारण से कि आपको मार्केट में लॉसेस होते हैं और बेसिकली ऑप्शंस में आपको लॉसेस होता है। ऑप्शंस में दिखने के लिए सिंपल सा चीज़ है लेकिन जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो फिर थोड़ा सा पेचीदा होता है, इसीलिए है कि हमने ये टॉपिक को चूज़ किया है आपको समझाने के लिए। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैं अब जैसे कि सपोज कर लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि 18200 एक बंदा है जो कि 18200 का कॉल बाई कर रहा है, उसका क्या इंटेंशन है कि प्राइस 18200 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप एरो के ऊपर में मत जाइएगा, एरो यहाँ पर मैं प्राइस को देखिए 18200 250 300 350 400, तो प्राइस जिस तरफ है मैं एरो उस तरफ डाल रहा हूँ। तो 18200 का जो कॉल बायर्स है उसका व्यू क्या है कि प्राइस 18200 से ऊपर ही रहे, ठीक है। अब कॉल सेल करने वाले का क्या व्यू होता है कि प्राइस 18200 के नीचे रहे। अब यहाँ पर मैं एरो ऊपर है इसका मतलब यह है कि प्राइस यहाँ पर मैं 150 100 18050 18000 ऐसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन का फॉर्मेशन है जिसके कारण कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पर मैं कोई 1800 का कॉल पुट बायर्स और पुट सेलर्स है, तो 1800 का जो पुट बायर्स है उसका व्यू क्या है कि प्राइस जो है पुट के तरफ प्राइस है कि 18200 के प्राइस नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। और पुट सेलर्स का व्यू है कि प्राइस इसके ऊपर आएगा, ठीक है, 18200 के प्राइस ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉल बायर्स कॉल सेलर्स पुट बायर्स और पुट सेलर्स का एक इंटेंशन होता है। अब जब यहाँ पर मैं आपका कॉल बायर्स का व्यू आपका पॉजिटिव है, ठीक है, जो यहाँ पर मैं कॉल बायर्स का व्यू आपका पॉजिटिव है और आपका पुट बायर्स का व्यू आपका निगेटिव है, ठीक है, तो हमें कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये पॉइंट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है, जैसे कि आप एज़ फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कोई बंदा अगर 18200 का कॉल को बाई कर रहा है, ठीक है, तो अभी इसका प्राइस सपोज कर लीजिए कि 30 रुपये के करीब में, ठीक है, तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 30 × 50 लॉट साइज 50, ठीक है, ये इतना उसको पे करना पड़ेगा, मतलब कि 1500 में वो उसका एक लॉट बाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, करीबन 1 से 1.5 लाख रुपीज़ उसको लगेगा एक लॉट सेम 30 रुपीज़ का जो प्रीमियम है उसको सेल करने के लिए, ठीक है। तो अब बात है कि जब जो काम 1500 में हो रहा है 1500 में हो रहा है उस काम के लिए कोई बंदा 1.5 लाख या 1 लाख रुपया क्यों पे करने के लिए रेडी है, ये एक जेन्युइन सा सवाल उठता है। अगर जो 1.5 लाख पे करने के लिए रेडी है
तो ये हम मान सकते हैं कि वो बंदा थोड़ा सा इनसे स्मार्ट होगा, स्मार्ट बंदा है वो, इसके पास में इंफॉर्मेशन इनसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इसके पास में इनसे ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकता है, इनसे ज़्यादा मार्केट के बारे में इनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो, ठीक है। जब इनको हम ये मान सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा मार्केट में रुपया डाल रहे हैं वो ज़्यादा मार्केट में रिस्क डाल रहे हैं, इनका रिस्क कितने पे है, 1.5 लाख है और इनका सिर्फ 1500 रुपया रिस्क पे है, तो जिनका 1.5 लाख रिस्क पे है हम इनको ये मान सकते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं। तो जब भी हम ऑप्शन चेन रीड की बात करते हैं तो हम ऑप्शन राइटर के ऊपर में ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑप्शन राइटर के ऊपर में फोकस किया जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि अगर हमें ऑप्शन चेन को रीड करना है 18,200 के ऊपर में, तो यहाँ पर में जो आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड के तरफ, आप यहाँ पर में देख सकते हैं, ये आपका निफ्टी का है, यहाँ पर में देख लीजिए 10 नवंबर का है, कल का एक्सपायरी का, तो यहाँ पर में जो आपका है करीबन करीबन 1 करोड़ के करीब में यहाँ पर में ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल टर्म में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर में 1 करोड़ का कॉल राइटर्स का है, ठीक है, 1 करोड़ का यहाँ पर में कॉल राइटर्स है, भले ये कहना गलत हो सकता है, यहाँ पर में कॉल बायर्स और पुट बायर्स दोनों हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल टर्म में या फिर ट्रेडिंग के टर्म में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं। अब कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है, नेगेटिव, जो अभी हमने ऑलरेडी देखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस आपका 18,200 के नीचे ही रहने वाला है। सेम चीज़ आप 18,300 पे देखें, 18,300 पे क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा है आपका, और कॉल राइटर्स का क्या व्यू होता है, निगेटिव, कि प्राइस 18,300 के नीचे ही रहे। तो आज यही रीज़न है कि प्राइस आपका 18,300 गैप अप के साथ में ओपन हुआ और 18,300 के नीचे ही रहा, किस चीज़ के कारण, कि कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर में हावी थे। अब यहाँ पर मैं पुट के तरफ आप देखें, पुट के तरफ कितने हैं, बहुत कम है, यहाँ पर में या फिर यहाँ पर में, इनके कंपेरिजन में बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पर में 8 लाख है, यहाँ पर में 41 लाख के करीब में, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि कौन सा लेवल आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा या फिर कौन सा लेवल आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। जैसे यहाँ पर में क्या है, 18,000 पे देखें तो 18,000 पे कितना है, करीबन करीबन 92,000 आपका है, तो 18,000 क्या बन गया, एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह बन गया। रेसिस्टेंस कौन कौन सा है आपका, एक 18,000 का रेसिस्टेंस है, सॉरी 18,200 है, और 18,300 का एक रेसिस्टेंस के तौर पे फॉर्म कर रहा है। तो ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है, मार्केट में हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें बता रहा है, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। और मार्केट में अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें वो काम कहाँ पर में करना होता है, सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास में हमें कोई भी काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पर में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होता है, मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमारा हमारे फेवर में रहता है, ठीक है। अब जो ऑप्शन चेन है इसको ये रीड करने का ये तरीका है। अब सेम चीज़ आपका, जैसे कि कल आपका एक्सपायरी है, ठीक है, तो सेम चीज़ यहीं से आपका हीरो जीरो कॉल का भी यहीं से जनरेशन होता है। अब आपको वो चीज़ समझने से पहले एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहूँगी, आप लोग कभी झरना को देखे हैं या वाटर फ्लो देखे होंगे, वो क्या करता है, एक हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर फ्लो करता है, मतलब कि चेंज इन लेवल्स होता है, जब लेवल्स में डिफरेंस होता है तो फिर पानी का फ्लो होता है, ठीक है। सेम तरीके से अगर आपको ऑप्शन चेन के बेसिस पे प्राइस के मूवमेंट को समझना है तो आप इसको जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया इसको, या फिर जो ये प्राइस है, ठीक है, जो स्पॉट प्राइस है, ठीक है, निफ्टी का ये जो स्पॉट प्राइस है, इसको आप वाटर समझ लें, पानी, ठीक है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, इस ओपन इंटरेस्ट को एक वैसल मान ले, मतलब एक लेवल मान ले, और एक लेवल इसको मान ले, ठीक है, दो लेवल हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। अब वाटर को फ्लो करना है तो क्या होना चाहिए, लेवल्स में डिफरेंस होना चाहिए। आज क्या हुआ, यहाँ पर मैं 1 करोड़ के करीब में इधर है और इधर आपका करीबन करीबन 8 लाख के करीब में आया, यहाँ पर मैं क्या था, लेवल्स में डिफरेंस था, ठीक है, लेवल्स में डिफरेंस होने के कारण में आपका जो प्राइस है, दैट मीन्स वाटर, उसका मूवमेंट हुआ किस तरफ, अपसाइड टू डाउनसाइड। सेम चीज़ आपका 18,200 पे भी हुआ, 18,200 पे भी क्या है, लेवल्स में
डिफरेंस है, इधर है 1 करोड़ है, इधर 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 है 41 लाख से करीब में, तो इधर ज़्यादा है और इधर ऐसे मूवमेंट हुआ। अगर सपोज कर लीजिए कि इधर आपका 1 करोड़ है, इधर भी आपका मान लीजिए 80 लाख हो जाता, ठीक है, यहाँ पर 40 है 80 लाख, तो प्राइस का ज़्यादा मूवमेंट इसके नीचे की तरफ होने का चांसेस कम था, प्राइस इसी के आसपास में डाई डाउन कर जाता है, या फिर यहीं पर में 1 करोड़ है, यहाँ पर में अगर आपका 8 लाख की जगह पर में 80 लाख होता तो क्या होता कि प्राइस यहीं पर में आपका मूव करते रह जाता 18,300 के पास में, ठीक है। तो प्राइस के मूवमेंट के लिए ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और हीरो जीरो कॉल का भी सेम थ्योरी है। अगर मान लीजिए कि कल आपका एक्सपायरी है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कल आपका एक्सपायरी है, प्राइस आपका सपोज कर लीजिए कि किसी भी कारण से जंप करके 18,300 के करीब में आ जाता है, या मॉर्निंग में या कहीं भी, और लेवल्स में इसी तरीके का डिफरेंस रहता है, तो मैक्सिमम चांस है कि 18,300 से प्राइस आपका नीचे की तरफ जाएगा, और यही आपका एक लेवल्स बन जाता है हीरो ज़ीरो कॉल का, ठीक है। तो हीरो ज़ीरो कॉल भी जो बहुत लोग रैंडमली लेते हैं, रैंडमली नहीं लिया जाता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। वो रीज़न क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, बायर्स और सेलर्स, ठीक है। मार्केट क्या है, मार्केट एक बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट होता है वो आपका एक मार्केट है, ठीक है। और यही ये बताता है कि आखिर यहाँ पर में बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है, कौन सा स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग है आपका आप उसके साथ में जाते हो, ओके। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि लॉन्ग बिल्डअप क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अब जो एक्सपायरी के डे, ठीक है, एक्सपायरी के दिन या फिर और भी कोई दिन, एक्सपायरी के डे या और भी कोई दिन, नॉर्मल डे, ठीक है, जब भी आप एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे जब आप देखते हैं कि प्राइस में मूवमेंट आता है, तो बेसिकली किस कारण से आता है आपका, या तो फिर शॉर्ट कवरिंग होता है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, तो ये बेसिकली है क्या ये, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको जैसे कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट आपने देख लिया कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब हो कि अगर कोई न्यू बंदे का एंट्री हो रहा है, ठीक है, कोई न्यू बंदे का एंट्री हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे अगर ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ कि किसी बंदे का आना ओपन इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, कोई न्यू बंदा एंट्री कर रहा है और ये क्या हो गया, ये हमारा प्राइस है, ठीक है, नेट चेंज इन प्राइस, इस दोनों के बेसिस पे आपका ये डिसाइड होगा कि क्या लॉन्ग बिल्डअप है और क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ठीक है। जैसे कि अब ये क्या हो गया, हमारा ओपन इंटरेस्ट न्यू बंदे का, जो न्यू इंडिविजुअल है उसको हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं, अगर न्यू बंदे की एंट्री हो रही है, ठीक है, न्यू बंदे की एंट्री के साथ में प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कि बाइंग हो रहा है, यहाँ पर मैं बाइंग हो रहा है, मतलब कि जो न्यू बंदा एंट्री कर रहा है वो आपका बाय कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, मतलब एंट्री ऑफ बायर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या है कि कोई न्यू बंदा अगर आपका मार्केट में एंट्री कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पहले सेल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में अभी आपने देखा है कि वो बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है, तो जो न्यू बंदा एंट्री कर रहा है वो और वो पहले सेल कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हो गया आपका शॉर्ट बिल्डअप, फर्स्ट वाला हो गया आपका लॉन्ग बिल्डअप, सेकेंड हो गया आपका शॉर्ट बिल्डअप। अब आपका अगर न्यू बंदे मार्केट से एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं निगेटिव का मतलब है कि न्यू बंदे मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, और जो बंदे मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं वो आपका बाय करके एग्जिट हो रहे हैं, तो बाय करके कौन एग्जिट करेगा, जो पहले सेल किए हुए होगा वही बाय करके एग्जिट करेगा ना, क्योंकि पोजिशन को आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट प्लस डेबिट या डेबिट प्लस क्रेडिट, मतलब बाय प्लस सेल या सेल प्लस बाय, तो जो लोग पहले सेल किए हैं, ठीक है, अभी वो बाय करके एग्जिट कर रहे हैं, तो इसका क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्ट बिल्डअप का उल्टा, शॉर्ट कवरिंग। और जो बंदे अभी मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट से बंदे एग्जिट हो रहे हैं और साथ ही साथ वो बेच भी रहे हैं, वो कौन करेंगे, जो इंट्री के समय खरीदे थे वही अभी बेच के मार्केट से हटेंगे ना,
तो उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, वो हो गया आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट है, ये चार कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा है कि बेसिकली पावर का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, पावर का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है। ये आपका लॉन्ग बिल्डअप क्या बता दिया कि पावर का कंटिन्यूएशन हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या बता रहा है कि पावर का ट्रांसफ़र होने के कगार पे है, शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्या हो गया कि सेलर्स हावी है, और शॉर्ट कवरिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर में पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है। और मार्केट में हमें क्या फाइंड करना है, मार्केट में हमें सिर्फ पावर का ट्रांसफ़र ही फाइंड करना होता है कि कब पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर में देखें, ठीक है, आज यहाँ पर में क्या है कॉल की तरफ, यहाँ पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव में, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव में, और यहाँ पर में प्रीमियम में आपका नेट चेंज जो है निगेटिव में यहाँ पर में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका एंड ऑफ द डे का डाटा है, ठीक है, एलटीपी में नेट चेंज निगेटिव हुआ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओपन इंटरेस्ट में पॉजिटिव चेंज मतलब कि कोई बंदे का इंट्री हुआ है, ठीक है, और जो बंदे का इंट्री हुआ है वो क्या किया है आपका यहाँ पर में सेल किया है, क्या किया है यहाँ पर में सेल किया है, जिसके कारण से कि प्राइस नीचे गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट बिल्डअप हो गया, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप हो गया आपका, ठीक है। तो सेम तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब ऑप्शन इसके तरफ क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पुट के तरफ क्या है नेट चेंज इन प्रीमियम यहाँ पर मैं 18150 पे पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैं लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये लॉन्ग बिल्डअप किसके तरफ है, पुट के तरफ, यहाँ पर मैं लॉन्ग बिल्डअप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन पे भी आप फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर मैं कब आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पर मैं कब आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, कब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कब, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका निगेटिव है, मतलब कि क्या हो गया, बंदे का एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एलटीपी क्या है, निगेटिव में, मतलब कि जो बंदे यहाँ पर मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं वो यहाँ पर मैं बेच करके मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, है यहाँ पर मैं, ये भी निगेटिव में और ये भी निगेटिव में। तो जो बेच करके मार्केट से बाहर निकल रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ है, वो उसका मतलब हो गया आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, जो पहले बाय किए होंगे वो बेच के मार्केट से निकलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आप लोग को अगर कन्फ्यूज़न रह रहा है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन आप सारे लोग के क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में आज आपने देखा होगा कि 42,000 पे क्या था, ठीक है, 42,000 पे आपका करीबन करीबन 30 लाख ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है, और यहाँ पर में क्या है आपका, इस तरफ 8 लाख, ठीक है, इस तरफ कितना है 30 लाख्स, इस तरफ है 8 लाख्स। इसका क्या मतलब हो गया, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसका आप चार्ट देख लीजिए, आज क्या किया है प्राइस करीबन करीबन 42,000 के थोड़ा सा नीचे, करीबन 950 से ही मार्केट आपका थोड़ा बहुत आपका करेक्शन शो किया है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट भी आपको मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेम तरीके से आप यहाँ पर में बजाज फिनसर्व का भी देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व के लिए हमने अपने ट्विटर हैंडल पे भी 2-3 दिन पहले हमने डाला था, ठीक है, 2-3 दिन पहले। बजाज फिनसर्व आपका पहले चार्ट देख लीजिए, बजाज फिनसर्व का ये डेली का चार्ट है, कहाँ पर था आपका 1800 के पास में था, ठीक है, 1800 के पास में था आपका। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1800 के पास में आपका बजाज फिनसर्व है। अब देखिए, 1800 के पास में यहाँ पर मैं उस समय भी कॉल राइटर्स हावी थे, अभी भी कॉल राइटर्स हावी हैं यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखिए कॉल राइटर्स अभी भी हावी हैं, कॉल राइटर्स यहाँ पर मैं क्या है, इस तरफ पुट राइटर्स के तरफ आपका कम है,
मतलब कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, मतलब कि ये क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया आपका, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, बायर्स में स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बायर्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इसी के कारण से आप यहाँ पर मैं इस चार्ट पे देखें, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, कोई सपोर्ट नहीं दिखा और वहाँ से फिर आपका नीचे ऑलरेडी गिर चुका है 50 पॉइंट। तो डाटा रीडिंग आपका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जहाँ पर मैं कि आप मार्केट के फ्यूचर कोर्स को या फ्यूचर डायरेक्शन को आप कुछ हद तक समझ सकते हैं डाटा के बेसिस पे, कि कहाँ पर मैं पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है। और मार्केट में जो भी चीज़ होता है, ठीक है, हमें पावर के ट्रांसफ़र को ही फाइंड करना है। यहाँ पर मैं क्या हुआ कि आपका पावर का ट्रांसफ़र हुआ है और हमें ऑप्शन चेन ने पावर के ट्रांसफ़र को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर दिया। अगर कहीं पर पावर का ट्रांसफ़र अगर स्विफ्टली होता है तो वो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। अगर पावर का ट्रांसफ़र कहीं पर में सैलो हो रहा है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ऐसे हुआ और तुरंत एक दिन में 10% आपका ऊपर गया और फिर अगले दिन आपका 15% नीचे आ गया, तो यहाँ पर में हमें बाई से या फिर सेल से बचना चाहिए। ये आपका एक सैलो होता है, ठीक है। कहीं पर में भी अगर आप पॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, अगर जब इलेक्शन होता है तो एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। यहाँ पर क्या होता है कि पावर का आपका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इलेक्शन हुआ, उसमें आपका पुलिस इन्वॉल्व रहता है, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व रहता है, मल्टीपल आपका एजेंसीज इन्वॉल्व रहता है और एक प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्शन होता है, उसके बाद जो जीतता है वो आपका सत्ता में जाता है, जो हारता है वो सत्ता से बाहर आता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कल कोई गया और वहाँ से सत्ता से कुर्सी से किसी पीएम को या सीएम को हटा दिया और कल वो बैठ गया, वो नहीं होता, एक प्रोसेस से होता है। तो वो क्या लाता है, एक स्टेबिलिटी लाता है। तो यहाँ पर में भी हमें सैलो पावर के ट्रांसफ़र से बचना चाहिए। अगर पावर का ट्रांसफ़र स्विफ्टली हो रहा है तो वो हमें अर्निंग करके देगा, और जो भी है मार्केट में सब का सब इसी के पीछे है कि हम कैसे फाइंड कर सकें कि पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है और कब हो रहा है पावर का ट्रांसफ़र। ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या है कि OI और चेंज इन OI में क्या डिफरेंस होता है। तो OI और चेंज इन OI एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे कि अभी हमने OI को देखा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को अभी हमने देखा यहाँ पर में, ठीक है। अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं जस्ट मैं एक एजम्पशनरी बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप सपोज कर लीजिए कि 1 लाख यहाँ पर मैं है आपका ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, और इधर है आपका 10 लाख और इधर है आपका करीबन करीबन 10,000 के करीब, ठीक है। आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मैं अभी इसको देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पर मैं आपका कॉल राइटर्स हावी है, ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉल राइटर्स हावी है। कॉल राइटर्स हावी होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं ये आपका एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इंट्राडे में वर्क करना है तो हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी देखना होगा और वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि एक तरफ आपका 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख इस तरफ है और इस तरफ मैं अगर कह दूँ कि कोई भी एक पार्टिकुलर प्राइस, मान लीजिए 100 रुपीज़ पे, और इस तरफ मैं कह दूँ कि 2 लाख है, इसका कहने का क्या मतलब है कि पुट के तरफ पुट राइटर्स आपका हावी है और प्राइस आपका 100 के ऊपर ही रहने का चांस है, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो समझ में आ गया होगा, प्राइस 100 के ऊपर ही रहने का चांस है। लेकिन मैं दूसरे टर्म में ये कहूँ कि यहाँ पर मैं पहले 3 लाख था, ठीक है, पहले यहाँ पर मैं 3 लाख था, 3 लाख से ये घट के आपका 2 लाख हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले आपका 50,000 था, ठीक है, 50,000 से बढ़ के ये आपका 1 लाख हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा है, यहाँ पर मैं अभी भी ये बता रहा है कि अभी भी पुट स्ट्रांग है, ठीक है, पुट अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन पुट आपका, पुट के तरफ आपका कमजोरी आ रहा है, पुट के तरफ कमजोरी आ रहा है और कॉल के तरफ आपका मजबूती आ रहा है, क्योंकि इधर ओपन इंटरेस्ट में डिक्रीज हुआ है और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में इधर डिक्रीज हुआ है और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पावर का ट्रांसफ़र अभी हो रहा है, पावर का ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस में है, कहाँ, सेलर्स टू
बायर्स मतलब पुट से कॉल के तरफ, पावर का ट्रांसफर अभी होने के प्रोसेस में। तो यही चीज़ हमें फाइंड करना है, ठीक है, यही चीज़ हमें फाइंड करना है कि कब पावर का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को फाइंड कर लिए तो आप ये समझ लो कि मार्केट में आपको लॉस ना के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे मैं निफ्टी का चार्ट में ओपन करता हूँ, ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं आप लोग सिंपल वन क्लिक से किसी का भी आप ये ऑन कर सकते हैं, मतलब ये चेक कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कल 18300 है, ठीक है, अब मान लीजिए कि प्राइस कल 18300 पे आता है तो क्या होगा, या तो 18300 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर 18300 से प्राइस नीचे जा सकता है, दो ही काम होगा। अब इसके लिए क्या जिम्मेदार होगा, जो ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट तो एज इट इज रह गया, चेंज इन जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो आप नंबर वाइज देख रहे हो या फिर ये जो परसेंटेज वाइज देख रहे हो, ये कल डिसाइड करेगा कि क्या ये, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, जस्ट एजम कर लीजिए कि प्राइस इस लेवल पे आ रहा है, तो इस लेवल से ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा या प्राइस इस लेवल के नीचे जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल के तरफ कल निगेटिव में आ गया, कॉल के तरफ कल निगेटिव में आ गया और ये घट के आपका 70 लाख हो गया, ठीक है, यहाँ पर अभी 1 करोड़ से घट के 70 लाख हो गया, और यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर मैं बढ़ के ये 1 करोड़ पहुँच गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या हुआ है, यहाँ पर से लोग हटे हैं, इसका लोग हटने का क्या है, कॉल राइटर्स का क्या मानना है, कॉल राइटर्स का मानना है कि प्राइस 300 के नीचे रहेगा, और जो हट रहे हैं उनका क्या है, उनका विश्वास इस पर से हट रहा है कि प्राइस 300 के नीचे 300 के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। पहले जो लोग का मानना था कि प्राइस 300 के नीचे रहेगा, उसमें से कुछ लोग ये भी आ रहे हैं कि प्राइस 300 के ऊपर भी आ सकता है, इसलिए वो हट रहे हैं, और इस तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि प्राइस 300 के ऊपर ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली है कि 18300 को ब्रेक कर देगा, अगर नहीं हुआ ऐसा तो प्राइस 18300 के आएगा और फिर इसको टच करके नीचे चले जाएगा। तो हीरो जीरो कॉल जो बनेगा, जो 18300 का आपका बनता है या फिर कोई भी लेवल्स का बनता है, तो वहाँ पर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और किस रेट से चेंज हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन तो हो रहा है लेकिन अगर धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, किस रेट से चेंज हो रहा है वो भी आपको उतना ही समझना पड़ेगा, और वो भी उतना ही आपको हेल्प करता है कि लेवल्स फाइंड करने में या लेवल्स आइडेंटिफाई करने में, कि उस लेवल्स के बाद में प्राइस आपका नीचे रहेगा या फिर उस लेवल से प्राइस आपका ऊपर जाएगा, ओके। अब देखिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आप लोग डिफरेंस समझे होंगे। देखिए, डिफरेंस होना चाहिए एक कंसिडरेबल अमाउंट, ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पर मैं 2 मिनट या 5 मिनट में ये डिफरेंस को ख़त्म कर देगा मार्केट, ठीक है। डिफरेंस अगर हो तो कम से कम 10 लाख 20 लाख का हो, और कल तो एक्सपायरी है, कल के दिन जितना ज़्यादा डिफरेंस हो उतना ज़्यादा आपके लिए उतना क्विक रिटर्न आएगा। अगर लेवल्स में डिफरेंस कम हो तो उस समय आप हीरो जीरो कॉल आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अवॉइड करना ही चाहिए, ठीक है। लेवल्स में डिफरेंस आप लोग को देखना है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विक्स क्या है, विक्स एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। विक्स हमें क्या बताता है, विक्स है कि एक फियर इंडेक्स है, विक्स हमें क्या बताता है, एक फियर इंडेक्स है, मतलब कि ये हमें डर को बताता है। कोरोना के समय में जब मार्केट करीबन 7500 के करीब आया था, 7500 to 8000, तो उस समय आप लोग को ध्यान में होगा कि विक्स हमारा 85 के रेंज में था, ठीक है, 85 के लेवल तक पहुंच चुका था। अभी हमारा विक्स कहां पर में, अभी हमारा विक्स करीबन 15 से 16 के रेंज में, ठीक है। तो विक्स हाई होने का क्या मतलब है कि यहां पर फियर ज़्यादा है। विक्स का मतलब ये है कि प्रो डाटा बेसिस पे, मतलब ऑन डे टू डे बेसिस, एक साल में आपका 85% मूव होने का चांस है, 85%। तो ये एक डर लाता है कि 85% मूव हो गया, अगर मान लीजिए हमारे अगेंस्ट में हो गया तो हम ख़त्म,
मार्केट फिर दोबारा हमको चांस भी नहीं देगा एंट्री करने का, मेरा सारा चीज़ वापस ले लेगा। तो जब ज़्यादा वॉलेटिलिटी आता है, ठीक है, तो उस समय मार्केट में थोड़ा सा फियर या फिर पैनिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब विक्स का हम डे टू डे लाइफ में कोई उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। विक्स का इस्तेमाल कब होता है, या तो विक्स आपका जब एक्सट्रीम हाई हो, ठीक है, जब एक्सट्रीम हाई हो या फिर एक्सट्रीम लो हो, ठीक है, जैसे कि कोरोना के जस्ट बाद विक्स आपका फिर 10 के लेवल में आ गया था, 80 से सीधे 10 के लेवल में आ गया था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये इंडिया विक्स का ये चार्ट, अब देखिए यहाँ पर ये सब जो है, ये सब एक ऑब्जर्वेशन है, ये सब ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो कि आप लोग को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये कुछ, अभी मार्केट बंद हो गया, फ्राइडे है, सॉरी थर्सडे, तो कुछ ये आपका डाटा में कुछ मैनिपुलेशन है, ये है यहाँ पर। मैं देखिए आपका ये था कोरोना का समय था, 80 के करीब में आ गया था, और उसके बाद फिर देखिए आपका नीचे आके एक साल के अंदर में ही आपका 10 के लेवल में आ गया था। तो ना ही आपका 80 वाला लेवल सही है और ना ही 10 वाला लेवल सही है, ठीक है, ना ही 80 वाला लेवल सही है ना ही 10 वाला लेवल सही है। तो जब ये दोनों लेवल्स आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मार्केट में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। जब 10 का लेवल था उस समय मार्केट आपका करीबन करीबन 3 महीने आपका एक रेंज बॉन्ड में था। आप लोग को ध्यान में होगा कि मार्केट आपका 15200 से 15500-600 के बीच में आपका करीबन करीबन 3 महीने तक मार्केट बिताया था, और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया था वही ऑल टाइम हाई टच किया था, ठीक है, जो अब अभी तक का ऑल टाइम हाई है। तो विक्स हमें क्या बताता है कि फियर बताता है, ठीक है, कि मार्केट में कितना डर है, ठीक है। अगर विक्स का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब मान लीजिए कि विक्स आपका 30 से ज़्यादा के करीब में है, 25-30 के करीब में है, ठीक है, तो फिर हमें हमारे लिए थोड़ा सा सोचने की बात है, या नहीं तो विक्स जब एक्सट्रीम लो हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए एक सोचने की बात है कि भाई यहाँ पर विक्स लो हो गया है, अब यहाँ से मूवमेंट थोड़ा सा कम होने का चांस है, ठीक है। तो जब मूवमेंट कम होने का चांस होता है तो फिर आपका मतलब प्रॉफिट का चांस कम होता है, प्रीमियम कम रहता है और प्रीमियम डीके आपका थोड़ा फास्ट रहता है, ओके। अब देखिए पीसीआर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। पीसीआर हमें क्या बताता है, पीसीआर बताता है कि ग्रीड और फियर क्या है। पीसीआर हमें ग्रीड और फियर को इंडिकेट करता है। ग्रीड और फियर को कैसे इंडिकेट करता है, जैसे कि कभी हमें लालच और डर इस दोनों को बताता है, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि पीसीआर क्या हुआ, पीसीआर हो गया कि पुट डिवाइडेड बटा कॉल का जो रेशियो हो गया वो हमें पीसीआर बताता है, ठीक है। अब ये लेवल्स जो हैं, आप लोग इस लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे इसका जो रिकॉर्डेड वीडियोस है आपका संडे तक हमारे यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आ जाएगा, आप वहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर अभी आप लोग को समय नहीं मिल पा रहा हो तो, ठीक है, वो आ जाएगा, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। अब देखिए पीसीआर अगर आपका एक है तो ये आपका एक न्यूट्रल सेंटिमेंट देता है, ठीक है। अब पीसीआर 1.6 के करीब में आ गया है, इसका क्या मतलब हो गया कि पुट के तरफ आपका एक्सेसिव है, ठीक है, पुट के तरफ आपका एक्सेस हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर एक तरफ एक्सेस हो रहा है तो ये तो डेफिनेटली है कि फिर वहाँ से पोजीशन हमारा बुक होगा ही, ठीक है। अगर पुट के तरफ पुट राइटर्स आपका ज़्यादा हो गया या पुट के तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, एक्सपायरी आएगा वो, और वो लोग प्रॉफिट में आएंगे, तो प्रॉफिट में आएंगे तो प्रॉफिट बुक करेगा ही। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, फिर से मार्केट आपका नीचे आएगा। तो मार्केट क्या हो गया, एक साइक्लिक वेव में आ गया, ठीक है। ना ही पीसीआर आपका एक ऊपर रह सकता है और ना ही पीसीआर आपका एक नीचे रह सकता है। पीसीआर आपका एक सर्कल में मूव करते रहता है हर वक्त। अब मान लीजिए कि 1.7 और 1.8 आ गया, तो ये एक एक्सेसिव हो गया, एक्सेसिव ओवरबॉट के टर्म में आ गया। तो ये डेफिनेट है कि यहाँ से जल्दी आपका एक बेयरिश सेंटिमेंट आएगा, ठीक है। अब वो बेयरिश सेंटिमेंट कब आएगा वो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताएगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें या तो फिर हम ऑप्शन चेन से पता कर सकते हैं, नहीं तो हम प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस से पता कर सकते हैं, और वहाँ से हम
एंट्री ले सकते हैं। ये हमें ये बता दिया कि यहाँ से आपका पोजीशन हल्का होने का चांस है। सेम चीज़ अगर मान लीजिए कि 0.5 या 0.6 के करीब में आपका PCR आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर में क्या हो गया कि मतलब आपका मैक्सिमम कॉल की तरफ ही है, मैक्सिमम कॉल राइटर्स ही है, ठीक है। अब यहाँ से आपका कॉल राइटर्स हटेंगे और यहाँ से आपका कॉल बाइंग होगा, तो यहाँ से आपका प्राइस को ऊपर जाने का ज़्यादा चांस है, तो यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर में भी इसका भी जो मेन काम है कब होता है, जब ये एक्सेस हो, एक्सेस हाई पे हो या फिर एक्सेस लो पे हो, ठीक है, जब हाई पे हो या लो पे हो तभी इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारे चीज़ का, देखिए सारे चीज़ का एक लिमिटेशंस होता है, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है ना कि सबकी अपनी एक औकात होती है, तो यही है कि सबका यूजेज आपको जानना पड़ेगा कि सबका हमें किसका कहाँ पर में यूज़ करना है। ओके, सबको आप खिचड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए, अब क्या यहाँ पर में आ रहा है, हमने PCR वो देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ही आपको ये बताता है कि आप प्रॉफिट में रहोगे या फिर लॉस में रहोगे, ठीक है। आपने सही पोजीशन, आपने सही मार्केट का डायरेक्शन फाइंड कर लिया, आपने सब कुछ फाइंड कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने स्ट्राइक प्राइस गलत चूज कर लिया और वहाँ पर में प्राइस का मूवमेंट ही नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आपका बेसिकली डिपेंड करता है आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को जो एग्जांपल बताया था, एक बजाज फिनसर्व का और बैंक निफ्टी का, जो आज घटित हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या था कि 42,000 पे हमारा क्या था, यहाँ पर मैं कॉल राइटर्स हावी थे। तो हम क्या करते हैं, जब ही 42,000 से हम देखते हैं कि प्राइस में रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, 42,000 में जैसे यहाँ पर में क्या हो रहा है, प्राइस में अगर रिजेक्शन हो रहा है, चाहे फर्स्ट कैंडल अगर आप छोड़ भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कैंडल में फिर से आपने यहाँ पर देखा है कि प्राइस में रिजेक्शन हो रहा है, ये हो गया हमारा वेरी सिंगल फिंग हो गया। तो जब ही इसके नीचे आया, ठीक है, तो हम यहाँ से हम सेल के लिए जा सकते हैं और इसका जो है हाई, जो है हाई हमारा एक SL के रूप में वर्क करेगा। तो हमारा क्या हो गया, 100 पॉइंट के करीब में हमारा, हाँ 60-70 पॉइंट का हमारा एक SL बन गया, ठीक है, या 80 पॉइंट का। और फिर हमारा नीचे के लिए जो डेज लो है, डेज लो के लिए हमारा टारगेट के लिए बन जाता है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारे फेवर में रहता है, ठीक है। अब यहीं पर हम समझ लीजिए कि यहीं पर हम अगर, और यहाँ पर हम किसका बाय किए हैं, अगर पुट बाय करेंगे तो 42,000 का, क्यों, क्योंकि 42,000 पे ही थोड़ा सा ये हमारा इन द मनी है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी होगा, ठीक है, जिसके कारण से कि हमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर वहीं मान लीजिए कि हम 800 या 700 का बाय करते तो यहाँ पर में हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होने के चांस, मतलब बहुत कम फ़ायदा होता, ठीक है, ये होता, हमें फ़ायदा इसका आधा होता। तो मार्केट में अगर मान लीजिए कि 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का मूवमेंट भी दिया, फिर भी हम उतने फ़ायदे में ना होते, तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर में था बजाज फिनसर्व में जो मैंने बताया था, यहाँ पर में अगर हम पुट बाय करते तो किसका पुट बाय करते, 1800 का पुट बाय करते, 1800 का, ठीक है, 1800 का पुट बाय करते। अगर हम वहीं पर मान लीजिए 1800 का अगर हम पुट बाय करते तो यहाँ पर में अभी मान लीजिए कि 50 पॉइंट दिया, तो 50 पॉइंट में हमें कम से कम 30 पॉइंट हमको डेफिनेटली है कि ऑप्शन में हमें मिल जाता, ठीक है, 30 पॉइंट हमें ऑप्शन में डेफिनेटली है कि मिल जाता। वहीं पर में अगर हम मान लीजिए कि इसके नीचे का करते हैं तो हमें 15 से 20 पॉइंट मिलता, ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट भी एक प्रॉफिट है, लेकिन सेम चीज़ सिर्फ हम स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करके हम अपना प्रॉफिट को इनक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे हो सकता है आपका, या तो सपोर्ट रेसिस्टेंस या ओपन इंटरेस्ट। अगर इतना नहीं आपको समझ में आ रहा है या फिर इतना नहीं टाइम है, तो सिंपली ये समझ लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस के आसपास का जो भी प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस आप बाय कर लें, ठीक है, वही आपका एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी आपको बाय करना हो तो क्या है, 41,800 41,700 हम लोग का ATM पड़ गया, ठीक है,
41700 हम लोग का ATM है, 700 या 800 हमारा ATM है, तो हम क्या करेंगे हम, तो 41700 या फिर 600 से लेके 900 के बीच में या फिर 42000 इसके बीच में जो भी है, जितना कैपिटल आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली कोशिश वो कीजिए कि जहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट हो वहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा आप प्रेफर करें, ओके ठीक है। अब देखिए क्या है कि हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। जब भी आप ऑप्शन चेन के बेसिस पे ट्रेड करें तो हमने क्या क्या चीज़ देखना है, हमें ये देखना है कि प्रीवियस डे का क्या है ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर में हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद उस डे हमें जब पोजीशन बनाने से पहले हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है कि जो ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा है, क्या ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज है वो चेंज पॉजिटिव की तरफ हो रहा है या फिर निगेटिव की तरफ हो रहा है, वो हमें क्या बताता है, पावर का ट्रांसफ़र, ठीक है। सब लोग कुर्सी के लिए मार करते हैं तो आपको भी यहाँ पर में कुर्सी के ऊपर ही फोकस करना है कि कुर्सी किसके पास में है, ठीक है। उसके बाद विक्स ये डिसाइड करता है, वैसे नॉर्मली विक्स आपका 1-2% में कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सपोज़ कर लीजिए किसी दिन आपका 10% या 15% का विक्स आपका ऊपर या नीचे हो गया, या फिर विक्स मान लीजिए एक ही दिन एक्सट्रीम हाई चले गया या एक्सट्रीम लो चले गया, तो उस दिन आपको विक्स को देखना है। PCR में हमें क्या देखना है कि PCR कहाँ पर में है, ओवरबॉट में है या फिर ओवरसोल्ड में है, ठीक है। अगर ओवरबॉट में है, ठीक है, अगर आपका ओवरबॉट में है तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, क्या करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपका ओवरसोल्ड में है, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर में, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि FI बाइंग इंडेक्स क्या है, FI इंडेक्स में जो बाइंग करता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, ठीक है। तो ये आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, चलिए इसको मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये आपका NSE का ये वेबसाइट है, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर में जाओगे, इसका लिंक जब मैं वीडियो अपने YouTube चैनल पे पब्लिश करूँगा तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको चूज़ करना है ये है पार्टिसिपेंट वाइज OI, ठीक है, पार्टिसिपेंट वाइज OI आप चूज़ करोगे। और जैसे आज ही का मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज है 9 तारीख, ठीक है, मैं 9 तारीख का दिखा दे रहा हूँ। अभी तक इसका डाटा नहीं आया है, इसका डाटा करीबन आपका 6 से 6:30 बजे के बीच में आ जाता है, कभी कभी आपका डिले हो जाता है लेकिन आपका डाटा जनरली आ जाता है। 8 तारीख को बंद था, 7 तारीख का, ठीक है, तो 7 तारीख का ये डाटा आ गया। आप यहाँ से ये डाटा को डाउनलोड कर सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ये डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इस डाटा में आपको क्या करना है, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर मैं जब आप इस डाटा को देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको क्लाइंट वाइज दिखेगा, DI दिखेगा मतलब डोमेस्टिक है, FI दिखेगा, प्रो दिखेगा, तो सारे का ये दिया जाता है। हम लोग बेसिकली FI के ऊपर में फोकस करते हैं, FI के ऊपर में फोकस करने का मेन ये है क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा रुपया FI लगाते हैं, ठीक है, तो हम FI को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका मल्टीपल डाटा आएगा, जैसे फ्यूचर इंडेक्स हो गया, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि क्या है, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक्स लॉन्ग, स्टॉक शॉर्ट, इस तरीके से आपका मल्टीपल डाटा रहता है, तो वो आप डाटा रीडिंग आप सीख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें फोकस करना है कि फ्यूचर इंडेक्स में कितना लॉन्ग हुआ है, ठीक है, तो आपको इसका परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि लॉन्ग डिवाइडेड बटा लॉन्ग प्लस शॉर्ट आप कर देंगे तो इसका परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपका एक 100% से लेके 0% के बीच में होता है। अगर सपोज़ कर लीजिए कि किसी का अगर बाइंग 70% 80% या 90% पहुँच गया, ठीक है, तो ये डेफिनेटली है कि वहाँ से वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से फिर से वापस रिवर्सल आने का चांस है, क्योंकि अगर कोई 80% बाय कर लिया तो क्या होगा, प्रॉफिट तो बुक करना है ना उसको, ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक्सपायरी के लिए छोड़ देगा, ठीक है, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई 20% 30% पे आ गया तो क्या होगा, मैक्सिमम ये चांस रहेगा कि मतलब वो पोजीशन हल्का हो गया, उसके पास कोई पोजीशन है ही नहीं, 20% 30% लॉन्ग का क्या हो गया, पोजीशन हल्का है, कोई पोजीशन है ही नहीं, तो क्या करेगा, फिर से
बाइंग के तरफ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया कि एक साइक्लिक वेव हो गया, ठीक है। तो चाहे आपका PCR हो या VIX हो या फिर आपका मनी इनफ्लो हो गया, मतलब कि FI बाइंग इंडेक्स हो गया, ठीक है, इंडेक्स बाइंग हो गया, ये सारा सारा क्या करता है आपका एक साइक्लिक वे में आपका मूव करता है कि अपसे डाउन अपसे डाउन अपसे डाउन मूव करता है। तो इस डाटा का एनालिसिस आप लोग को पूरा पूरी समझना पड़ेगा कि कैसे हमें इस डाटा का एनालिसिस करना है। ओके, अब देखिए, और हम लोग अपने ट्विटर हैंडल पे भी इस तरीके का जो है पोस्ट हम लोग डालते रहते हैं, जैसे डेली का है, आज का है जो पोस्ट है, आप यहाँ पर में देख सकते हैं, हम लोग ने पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर में डाला हुआ है। तो आप लोग चाहो तो आप हमारे ट्विटर हैंडल को ही फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर में कि हम लोग एवरी मॉर्निंग 8:30 to 8:45 के बीच में ये आपका पोस्ट वहाँ पर हम लोग डालते रहते हैं। ओके, सो थैंक यू। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे आप लोग का। ठीक है, मैं क्वेश्चन कोई बुक होता है। यस सर, सर यू वुड बी एबल टू सी क्वेश्चन इन द Q&A सेक्शन। यस यस यस, आई एम एबल टू सी। ओके, तो एक चीज देखिए, सबसे ज़्यादा है कि ये है, राजीव ने पूछा है कि कौन सा बुक सबसे ज़्यादा सही है। एक चीज देखिए, बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने माइंड का यूज़ कीजिए, ठीक है। मार्केट जो है, मार्केट आपका एक स्टैटिक नहीं है, मार्केट आपका एक डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि वो हर वक्त चेंज होते रहता है, ठीक है। तो उसको कौन पकड़ पाएगा सबसे ज़्यादा, आपका माइंड पकड़ पाएगा। और लाइव मार्केट में आप मार्केट को रीड करने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद अखिलेश जी का एक क्वेश्चन है, डू वी नीड टू ट्रैक PCR फॉर ईच स्ट्राइक प्राइस। नहीं, PCR को ईच स्ट्राइक प्राइस के लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली PCR आपका एक लेवल्स के पास में देखना, या फिर आप एंड ऑफ द डे आप चेक कर ले, वो मोर देन सफिशियंट है। और ऐसे भी जब हम जो बात कर रहे थे, पूरा बता रहे थे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, जो डिफरेंस इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, तो जब ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस हो रहा है तो वहाँ से हम ऑलरेडी पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का, वो अल्टीमेटली हम लोग PCR की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटे ऑप्शन, इतनी छोटी ऑप्शन चेन किसकी है ये, क्या मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, ये राहुल जी का है, इतनी छोटी ऑप्शन चेन किसकी है। सर एंट्री को कैसे पहचाने, देखिए एंट्री आपका पहचानने के लिए आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हमने बजाज फाइनेंस का एग्जांपल बताया था, बजाज फाइनेंस में बेसिकली क्या था, या फिर आज का जो बैंक निफ्टी का था, ठीक है, इसमें क्या था कि एक रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और जब भी हम एंट्री ले रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सही होंगे, हम एक प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम सेलर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हम जब भी वहाँ से प्राइस में रिजेक्शन दिखेगा, क्योंकि मार्केट में कितने लोग होते हैं, सिर्फ दो लोग हैं, एक बायर्स हैं और एक सेलर्स हैं, ठीक है। बाद बाकी का जो भी इंडिकेटर्स है, या जो जो भी चीज़ है, जो चाहे जो डाटा हो, वो आपको क्या बताता है, या बायर्स मजबूत है या फिर सेलर्स मजबूत है, मतलब कि किसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, सिर्फ वो बताता है, ठीक है। लेकिन एंट्री और एग्जिट का आपको कौन बताता है, आपका माइंड बताता है। तो आप वहाँ पर में देखिए कि कब पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, स्विफ्टली हो रहा है। तो जब भी आपको पता चले कि पावर का ट्रांसफ़र के लिए क्या है कि कोई, अगर आप रेसिस्टेंस के पास है तो कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पर बताया था आपको, क्या था, बेयरिश इंगल्फिंग था। तो कोई एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, जब भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप उसके नीचे से आप एंट्री करो, ऊपर में आप SL रखो, आपका SL एकदम छोटा सा बनेगा और आपका टारगेट लंबा टारगेट बनेगा, ठीक है, ठीक है। इनका एग्जिट पॉइंट का भी इनका हो गया, ठीक है। नागेश जी का एग्जिट पॉइंट का जो क्वेश्चन था, और एग्जिट पॉइंट को कैसे पहचाने, इसका भी हो गया इनका आंसर। कॉल बायर्स होगा तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए हम लोग ये जो है, अगर कॉल बायर्स है तो प्राइस को बढ़ना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो थ्योरी होता है और जो प्रैक्टिकल होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये तो आप मानेंगे।
तो हम जो ऑप्शन चेन को जो रीड करते हैं, हम राइटर्स के नज़रिए से रीड करते हैं. क्यों रीड करते हैं वो मैंने आप वेबिनार में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. तो हम राइटर के नज़रिए से देखते हैं, ठीक है. तो अगर कॉल राइटर्स है तो कॉल राइटर्स का व्यू होता है कि जो भी स्पेसिफिक प्राइस है उस प्राइस से मार्केट नीचे ही रहना चाहिए. ओके, तो ये हमें उल्टा तरीका से सोचना होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्राइस पे कॉल बायर्स है ही नहीं, कॉल बायर्स है, लेकिन हमें समझने के लिए हमें थोड़े अलग तरीके से हम समझते हैं, ठीक है. अगर कॉल बाय करना हो है तो जहाँ पर में कॉल का ओआई ज़्यादा हो वहाँ पर में बाय करें. नहीं, कॉल बाय अगर करना हो तो जहाँ पर में पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पर में आप कॉल बाय करें. और कॉल बाय करने से पहले आप पावर का ट्रांसफ़र को आप आइडेंटिफाई करें, मतलब कि वहाँ पर में आपका कॉल और पुट में डिफरेंस, एक जेन्यून सा डिफरेंस होना चाहिए. ये नहीं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, एक जेन्यून सा डिफरेंस होना चाहिए. और वहाँ पर मैं आपका अगर जा रहे हैं तो एक, या तो अगर आप कॉल बाय की बात करें तो वहाँ पर मैं आपका एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है. मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं. डू वी नीड टू ट्रैक? नहीं नहीं, ईच स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सिलेक्शन स्ट्राइक प्राइस, सेलेक्टिंग स्ट्राइक प्राइस विथ ओ आई वी शुड बाय एंड सेल. सेलेक्टिंग स्ट्राइक प्राइस विथ ओ आई वी शुड बाय और सेल इंडेक्स. मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप बता रहे हैं? सेलेक्टिंग स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आप ओ आई या फिर किसी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी है आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं. मैं आपका क्वेश्चन सही तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ. अगर आपको और आपका आंसर नहीं मिला है या फिर कुछ दूसरा आंसर है तो आप स्पेसिफाई करके बताएं. हाउ टू लर्न फ्रॉम पर्सन, हाउ टू लर्न फ्रॉम यू पर्सनली. हम लोग का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हम लोग मल्टीपल वीडियोस डालते रहते हैं ऑप्शंस के रिगार्डिंग में. आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं. इक्विटी टू कॉमोडिटी है, ठीक है. वहाँ पर में जो आप देखेंगे, प्रशांत सर को देखेंगे, हम लोग एक ही टीम में हैं, ठीक है. सबका अपना अपना डिफरेंट रोल्स होता है. ओके, प्लीज़ शो द ओ आई एंड चेंज इन ओ आई स्लाइड, ठीक है. इसका ऑलरेडी है, आपका जो ये वीडियो है ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल पे कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा. आप वहाँ पर में एक बार और चेक करके अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर में भी पूछ सकते हैं. ओ आई और चेंज इन ओ आई स्लाइड का आप वहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोबारा, ठीक है. ओ आई चेंज, PCR, ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए और अच्छे से कोई YouTube चैनल या बुक बताए. आप हमारे चैनल पे जा, देखिए इसमें आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर में और भी वीडियोस हैं, लेकिन ये जो है ये कॉन्सेप्ट्स आपका सिंपल है, ठीक है. देखिए किसी का भी कब इम्पोर्टेंस होता है, या तो जब हाई हो या फिर जब लो, ठीक है, तभी इम्पोर्टेंस होता है. बीच में आप उसको ट्रैक करके भी कोई ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे PCR हो या VIX हो या फिर मनी फ्लो इंडेक्स हो. ये आपका एक साइक्लिक वेव होता है. अगर एक्सेस हो गया तो वहाँ से फिर नीचे आना है, नीचे आया तो फिर यहाँ से ऊपर जाना है. तो आपको इसका प्रोसेस समझना है, ठीक है. पार्टिकुलर डाटा से आप कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर मैं बोल दूँ कि 70 है मतलब, या 0.7 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ. 0.7 मतलब कि वो 1.5 से गिर के 0.7 आया है, या फिर 0.5 से बढ़ के 7 गया. तो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है. अमित जी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे मस्ट कॉल बाय होगा, कोई आज कॉल भरवर के सेल हुआ है, नेक्स्ट डे मस्ट कॉल. देखिए प्राइस को पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें. ये मैं बोलूँगा कि रिटेलर से आप लोग का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लॉस का, ठीक है, कि कभी भी प्राइस को या फिर मार्केट को पहले समझने की कोशिश ना करें. ये देखें कि प्राइस आखिर ओपन होने के बाद में कैसे मूव कर रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है उसके बाद प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वहाँ पर मैं आप प्राइस एक्शन का ये करें. सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप पहले मार्क करके रख लें, PCR, VIX, मनी इनफ्लो, जो भी चीज़ है इसके अलावा, ठीक है. आप सारा चीज़ को पहले आप आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है. लेकिन मार्केट को पहले आप ये ना करने की कोशिश करें कि मार्केट यही चीज़ करेगा. ओके,
while selecting a strike price with OI maximum, we should look to buy max OI or sell max OI. ठीक है, देखिए जहाँ पर मैं आपका मैक्सिमम OI हो, ठीक है, और OI में डिफरेंस हो, ठीक है, अगर कॉल के तरफ मैक्सिमम OI हो, ठीक है, तो अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से कॉल सेल करें, क्योंकि वहाँ से नीचे जाएगा. ठीक है, आप लोग ये जो है ये स्लाइड दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला जो है ये स्लाइड एक बेसिक स्लाइड है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है. ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा. इसमें सर चेंज इन OI एंड LTP पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन पुट साइड, क्लियर करना एक बार. चेंज इन OI एंड LTP पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये देखिए, अगर जैसे OI का क्या मतलब है, OI का मतलब है कि कोई बंदा मार्केट में एंट्री कर रहा है. OI पॉजिटिव, OI नेगेटिव का क्या मतलब है कि कोई बंदा मार्केट से एग्जिट हो रहा है. अब LTP मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऊपर कब जाएगा आपका, जब कोई बाय करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, कोई सेल करेगा तो प्राइस नीचे जाएगा. ठीक है, और कोई बंदा मार्केट में एंट्री करेगा तो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, और कोई मार्केट से बाहर जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा. समझ में आ गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया कि कोई बंदा मार्केट जो इंडिविजुअल है वो हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया. अगर कोई बंदा मार्केट में एंट्री कर रहा है तो मतलब ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, अगर वो वही बंदा मार्केट से या फिर कोई बंदा मार्केट से एग्जिट कर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा. कोई बंदा अगर खरीद रहा है प्राइस किसी भी प्राइस को तो प्राइस क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा. अगर कोई बेच रहा है तो क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा. इसी चारों को आपको लेके पूरा का पूरा ऑप्शन चेन का बिल्डअप बना हुआ है. यही चार कॉन्सेप्ट है सिर्फ, इसी से आपका लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग बना हुआ है. प्राइस सेक्शन समझने के लिए सर कोई कोर्स है, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर में विजिट कर सकते हैं. हम लोग मल्टीपल सा चीज़ डाले हुए, नहीं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, इक्विटेड कॉम्युनिटी है, वहाँ पर में भी हम लोग डालते रहते हैं. सर प्लीज़ सजेस्ट गुड स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शन ट्रेड एंड ये. देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी, मार्केट को मैंने शुरू में ही बताया क्या है, मार्केट एक आपका स्टैटिक नहीं है, एक डायनेमिक है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका माइंड को यूज़ करना है और आपको प्रोसेस को फॉलो करना है. ठीक है, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा चीज़ है. ठीक है, यहाँ पर से आप डाटा के रीड को आप समझ सकते हो, तो आप इस चीज़ को समझ लो, आप पूरा पूरी ऑप्शन चेन को आप समझ सकते हो. हाँ, राहुल जी कहे क्या हम ऑप्शन चेन NSE देखना चाहिए. हाँ, आप कोई भी ऑप्शन चेन चेक कर सकते हो, सारा का सारा ऑप्शन चेन आपका सही है. क्या हम कॉल को होल्ड एक्सपायरी डेट तक कर सकते हैं. हाँ, आप किसी को भी करो, आप एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी डेट तक होल्ड करने का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है कि आपका प्रीमियम डीके होता है. जैसे कोई भी आपका जो प्राइस होता है, प्राइस का आपका दो कंपोनेंट होता है, एक टाइम वैल्यू होता है कि एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता है. ठीक है, तो आपका जो एक्सपायरी नज़दीक आता है आपका टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है, सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू बचता है. तो आपका प्राइस ऊपर चले भी जाएगा तो आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा. तो अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम आपको एग्जिट करते रहना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डे प्रॉफिट में होता है बट एंड तक दे 13,000 लेन कुछ नहीं होता. देखिए यही तो है कि मार्केट का सबसे पहले आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या है. प्रत्येक चीज़ को आपको एक लेवल्स के पास में करना पड़ेगा, चाहे सपोर्ट हो या फिर रेसिस्टेंस लेवल हो, मतलब कि सबका अपना एक लिमिटेशंस है, उसके लिमिटेशंस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जब ही आप उसके लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई कर लोगे आपको अपना प्रॉफिट बनने लग जाएगा. डेली काम करना ज़रूरी नहीं है, काम तब कीजिए जब आपको प्रॉफिट का चांस ज़्यादा हो. आप कभी उसके साथ फाइट करोगे क्या जिसके साथ आपको हारने का मतलब 90% चांस है कि आप हार जाओगे, कभी नहीं आप फाइट करोगे, तो फिर मार्केट के साथ वैसा क्यों करते हो. सुमित जी का है ऑप्शन होल्ड कब तक कर सकते हैं. वो एक्सपायरी तक आप ऑप्शन होल्ड कर सकते हैं. आप ऑप्शन कॉल सेल कब करना है, ये ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप कॉल बाय या कॉल सेल आप कर सकते हैं. ठीक है, एक पोजीशन में कितना लॉस या प्रॉफिट बुक करें. देखिए ये जो है प्रॉफिट और लॉस, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का एक आता है. ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप क्या बाय कर रहे हो, कब बाय कर रहे हो, उसके बेसिस पे है.
ठीक है। स्टॉप लॉस आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, स्टॉप लॉस एक पार्टिकुलर लेवल्स होता है। अगर आप बाय कर रहे हो तो वो लेवल्स होता है जहाँ पर के बाद की पावर का ट्रांसफ़र हो रहा हो, कि अगर वो लेवल्स टूटे तो फिर एक्सट्रीम फॉल हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पर में स्टॉप लॉस होता है जहाँ पर में कि आपका सेलर्स अवेलेबल हो, ठीक है। एक पोजीशन में कितना फ्रंट सर, स्टॉक्स में पीसीआर काम करता है? देखिए पीसीआर प्रत्येक चीज़ में काम करता है। पीसीआर आपको क्या बताता है? पीसीआर बेसिकली आपको बता रहा है कि बायर्स और सेलर्स का नंबर बता रहा है ना, उसका परसेंटेज बता रहा है ना। तो पीसीआर तो हर जगह है ना। आप अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर रहे हो तो वहाँ पर में भी आप पीसीआर को ही ले रहे हो, चाहे हम ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इनडायरेक्टली हम पीसीआर की बात करते हैं। सर चेंज इन वाई एंड एलटीपी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पुट साइड क्लियर करना, एक बार ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, मनदीप जी का क्वेश्चन है। सर एफआईआई लॉन्ग डिविडेंड बाय एफआईआई शॉर्ट, हाँ एफआईआई लॉन्ग डिवाइडेड बाय एफआईआई लॉन्ग प्लस शॉर्ट, इससे आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। सर कितना क्लास हो चुका है इसका? कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए आपको बेसिक से समझने की ज़रूरत होगी, ठीक है, और आप थोड़ा सा समझने की समय दीजिए मार्केट में, आपको समझ में आएगा, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं हम लोग मल्टीपल वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है। सर पीसीआर का डाटा कहाँ से देख रहे हैं? आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपका अगर अपस्टॉक का है तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पर भी आता है आपका पीसीआर का डाटा है, आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। Okay. Now so I would request everyone, to please, go to the poll section and please fill that poll section. Submit your poll. Submit that poll. That would be very, very, very valuable to us. Please submit that poll before we sign up of the day. Please submit that poll. I would request everyone, please. I would request everyone to please submit the poll next to the Q&A section. That would be really helpful to us for the next webinar. There are only two questions. Please go to the poll section and fill those questions. Answer, we would make wait for two three minutes more and then we can sign out. No issue. Okay. Please everyone, please fill their poll section, publish it. Everyone, please fill the poll section, publish your answers. Okay, thank you, Mr. Nishant, for taking us through option trading, and we would like to thank you everyone for joining us today. And stay tuned for more Mind the Market webinar coming your way. Be sure to give a valuable feedback after this session. Thank you. Please, I request everyone again. Hello. Please submit the poll. Yeah, hello. Yeah, poll yahan dikh nahi raha hai. Poll. Sir, wo wahan pe dikhai dega aapko. Yahan par main aa raha hai. Create a poll. Nahi sir, wo actually aapka page refresh karna hoga, but. Anyway, sir, वो बाकी ऑडियंस को विजिबल होगा इस समय। ओके, आप यहाँ पर में देखिए मल्टीपल लोगों का कमेंट आ रहा है कि पोल विजिबल
नहीं है, आप चेक कीजिए नीचे में, नीचे में कमेंट चेक कीजिए, दो लोगों का है, पुल नहीं दिख रहा है। कैन यू प्लीज रिफ्रेश योर पेज, दोज आर नॉट एबल टू सी द पोल सेक्शन, प्लीज रिफ्रेश देयर पेज। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, दोज आर नॉट एबल टू सी द पोल सेक्शन, प्लीज रिफ्रेश देयर पेज एंड ज्वाइन अगेन। आप लोग फिर से एक बार अपना पेज रिफ्रेश करिए और ज्वाइन करिए, आपको दिखाई देगा पोल सेक्शन। Okay, no problem. I think there is some glitch from the dashboard itself. If you're not able to see, no problem. Sir, Nissan sir, thank you so much. You know, for taking us through option trading, and thank you everyone for joining us today. Thank you again. Have a great evening ahead. Thank you so much, sir. Thank you, Abhi. Thank you. Yeah. Thank you.